खबरें वही जो दिखे सही। नमस्कार, मैं हूं गोविंदा गोला, 24 टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। जोधपुर, श्री जोगमाया जी नगर मोहल्ला विकास समिति प्रताप नगर के तत्वावधान में 18 अप्रैल को सामूहिक विवाह समारोह का आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों के साथ चल रही है। यह जानकारी समिति के अध्यक्ष दयालाल चौहान ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि इसको लेकर 16 कमेटियों का गठन कर पदाधिकारियों को अलग अलग दायित्व सौंपा गया है। इस सामूहिक विवाह समारोह में 21 जोड़े का लक्ष्य रखा गया था, जो पूर्ण हो गया है। 25 मार्च को दूल्हा दुल्हन को ड्रेस, भोजन, कूपन वितरण किया जा चुका है। प्रत्येक पक्ष से 5,500 रुपये पंजीयन शुल्क लिया गया है। सभी जोड़ों के अभिभावकों को भोजन के 50-50 कूपन दिए जाएंगे। सचिव ताराचंद गुर्जर ने बताया कि इस सामूहिक विवाह समारोह को लेकर समाज के लोगों में भारी उत्साह है। 18 अप्रैल को 10:15 बजे 21 दूल्हों की सामूहिक बारात संजय गांधी कॉलोनी ए गली नंबर 3 से रवाना होगी, जो प्रताप नगर अंबेडकर पार्क सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए शॉपिंग सेंटर स्थित गरबा पार्क पहुंचेगी। यहां पर समिति के अधिकारियों एवं वधु पक्ष के लोगों द्वारा सामूहिक बारात का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वरमाला का कार्यक्रम होगा। आज निमंत्रण पत्र का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष दयालाल चौहान सहित मुकेश चौहान, संपत लाल चौहान, ताराचंद गुर्जर, लालचंद सोलंकी, परमानंद चौहान, हस्तिमल चौहान, सत्यनारायण गहलोत एवं गोपाल डाबी के अलावा अनेक लोग मौजूद थे। जोधपुर से जितेंद्र दवे की खास रिपोर्ट। लक्ष्य रखा गया था, वो पूरा हो चुका। 25 मार्च को 2018 को हम लोगों ने ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहे 24 टाइम के साथ। खबरें वही जो दिखे सही। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।